एकदम मिले आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ डिस्कस किया था ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को, तो अब वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। इन दिस नॉवल शी फॉल्स इन लव विद एस्टेला, अ प्राउड एरोगेंट एंड रिच गर्ल, बट शी मैरीज ग्रम्बल। एस्टेला के कैरेक्टर का आपने पहले ही बात करी थी, वो एक प्राउड एरोगेंट और रिच गर्ल थी। उसको इसी चीज का गुरु था कि वो एक अपर क्लास से बिलोंग करती है। और ग्रम्बल से शादी की जो कि था अ मैन ऑफ हाई स्टेटस इन स्पाइट ऑफ मैरिंग पिप। उसने ड्रम्बर से शादी की जो कि हाई स्टेटस का था, बजाय पिप से शादी करने के। ऑफ्टरवर्ड्स दिस रिलेशनशिप ब्रेक्स ऑफ, बाद में ये रिलेशनशिप टूट जाता है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ नॉवल शी अगेन पिप। नॉवल के एंड पे वो अगेन पिप को जो है वो मिल जाती है, पिप से मिलती है और उनकी लाइक रीयूनियन हो जाती है, ठीक है। ऑल दिस अफेयर ऑफ लव, ये जो मोहब्बत का जितना भी सारा किस्सा है, ब्रेकिंग अप एंड रीयूनियन ऑफ पिप एंड एस्टेला हैव एन ऑटोबायोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, एज डिकेंस हिमसेल्फ हैड अ लव अफेयर विद मारिया बिडनर, बट शी डिड नॉट मैरी डिकेंस ऑन द अकाउंट ऑफ हर बीइंग अ वुमन ऑफ अपर क्लास। लाइक इट मीन्स कि जो जितना भी नॉवल में जो लव अफेयर जितने भी हुए, और फिर उसका टूट जाना और फिर रीयूनियन होना, जैसे फिर एस्टेला से रीयूनियन होता है एट द एंड ऑफ नॉवल, तो ये सारा जो सिग्निफिकेंस है ये डिकेंस की अपनी रूरल लाइफ में ऐसा हो चुका है कि उसने एक उसका लव अफेयर था जिसके साथ मारिया बिडनर, जो है बिडनर लिखा यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक, तो बिडनर नेम है उसका। तो उस नेम की एक लड़की है उसके साथ, तो उसको मोहब्बत हो जाती है, बट शी डिड नॉट मैरी डिकेंस। उसकी उन दोनों से वो मारिया बिडनर जो है डिकेंस से शादी नहीं करती क्योंकि वो एक अपर क्लास में से बिलोंग करती होती है और वो उसे छोड़ देती है। बट लेटर ऑन इन 1857 डिकेंस अगेन मैट विद मारिया बिडनर, बट इट्स नॉट कंफर्म कि वो उससे शादी करता है या नहीं करता, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ नॉवल द डेथ ऑफ मिसेस जो, जब मिसेस जो की डेथ होती है नॉवल के मिड में आके, द सिस्टर ऑफ पिप जो कि पिप की सिस्टर होती है, इट्स सिग्निफिकेंट फॉर वन ऑफ डिकन्स ओन सिस्टर्स डेथ। जो नॉवल में मिसेस जो की डेथ होती है पिप की सिस्टर की, वो एक्चुअली डिकन्स की सिस्टर की सिग्निफिकेंस है रियल लाइफ में। उसकी एक सिस्टर है जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। शी डाइड ऑफ, सो ये भी एक एलिमेंट है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। शी डाइड ऑफ सेवरल इलनेस एंड दिस इंसिडेंट लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिकन्स लाइफ एज पिप्स लाइफ इन द नॉवल आफ्टर द डेथ ऑफ विद सिस्टर। अब सिस्टर की डेथ के बाद वो चला जाता है वापस, और जो के साथ जो है वो थोड़ा इग्नोरेंट सा और बैड बिहेवियर रखने लग जाता है, तो इसकी जिंदगी इस तरह से बदल जाती है। तो सेम एज केस विद द डिकन्स इन हिज रियल लाइफ, दैट ही हैड अ हेक्टिक एंड अ टफ डिफिकल्ट टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सिस्टर, ओके। एट द एंड ऑफ नॉवल जो मैरिज बिडी, अब इस नॉवल के एंड पे जो मैरिज से शादी, बिडी से शादी कर लेता है क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई होता नहीं, और बिडी क्योंकि एक टाइम पे इसके घर भी आई होती है, तो दोनों की आपस में इंट्रैक्शन हो जाती है। दिस आइडिया ऑफ सेकंड मैरिज विद अ वुमन क्वाइट यंगर देन हिमसेल्फ डिपिक्ट एन ऑटोबायोग्राफिकल आइडिया। ये जो सेकंड मैरिज का आइडिया है ये एक्चुअली डिकेंस की ही लाइफ से लिया गया है। ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, एज डिकेंस हिमसेल्फ री मैरिड विद अ लेडी एलन टेनेंट 18 years ओल्ड यंगर देन हिम। वैसे तो डिकेंस के अपनी वाइफ से कुछ अच्छे जो है वो रिलेशंस नहीं थे, तो लेकिन ओवरऑल क्योंकि वो अपने बच्चे पे भी और अपने हस्बैंड पे भी ओवर कंप्लीटली उसका कंट्रोल था। लेकिन जब डिकन्स का अफेयर होता है एलन टेनेंट के साथ, और फिर जब उसकी बीवी को पता चल रहा है तो दोनों की सेपरेशन हो जाती है और डिकन्स की शादी एलन टेनेंट से हो जाती है जो कि 18 साल छोटी होती है डिकन्स से। तो सेम एज केस विद ब्रदर इन लॉ ऑफ पिप इन द नॉवल, कि वो बिडी से शादी कर लेता है और बिडी जोर से इतने ही कुछ 15-16 साल छोटी होती है, ठीक है। द ब्रेकअप विद एस्टेला एंड मिस
Mr. Drummle is also autobiographical in a way that Dickens himself left his first wife, Catherine Thompson. जो एस्टेला का ब्रेकअप होता है ड्रमर के साथ, वो भी एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट के तौर पे कहा जा सकता है कि डिकेंस की जो है वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है कैथरीन थॉमसन को फॉर सम इश्यूज, उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप के जो इश्यूज थे उनकी बिना पे। तो ये एस्टेला और डम्बल की जो है ना वो इस सेगमेंट पे ये मैच कर रहे हैं। इन द नॉवल द नेम जो जाना हैज बीन यूज्ड फॉर पिट्स डेड मदर। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ सिर्फ थीम्स ही नहीं या कुछ कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के नेम भी ऑटोबायोग्राफी के तौर पर यूज हुए हैं नॉवल में, जो कि डिकेंस के रियल लाइफ में थे। तो वही अब यहाँ पे यूज हुआ है कि नॉवल में जो नेम जॉर्जियाना यूज किया गया है, ये एथलिट्स का नाम हैज बीन यूज फॉर हिज फॉर द फिफ्थ डेड मदर। नॉवल में भी उसकी डेड मदर के लिए ये बताया गया ये नाम जॉर्जियाना, लेकिन असल में क्या है, इट डिपिक्ट्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ डिकेंस इन द सेंस दैट द नेम ऑफ वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, के रिलेटिव्स में से एक कोई औरत है जिसका नाम जॉर्जियाना होता है, तो ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट में आ जाता है। Thus, all the incidents of the novel are taken from different life experiences of different life that signify or give the picture of his life. Okay. Okay. Next, all the major themes of great expectations like imprisonment, कैद करना, कैदी बनना, ठीक है, broken, टूटी फूटी जो होती है ये, एंड कंटिन्यूस कंडीशन ऑफ लाइफ एंड थीम ऑफ एक्सपेक्टेशंस विशेस ड्रीम्स एंड डिजायर्स ऑल आर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये जितने भी थीम्स हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवल के अंदर, ये एक्चुअली में डिफरेंट की अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उससे ली गई हैं। उस टाइम पे इम्प्रेसमेंट जो उसके फादर की सूरत में मिली और फादर की वजह से फिर पूरी फैमिली को वो भुगतना पड़ा था, ठीक है। देन कंफ्यूजन और जो ब्रोकन लाइफ है, तो छोटी छोटी उनकी एक डिफिकल्टी की वजह से, कुछ डिफिकल्टीज की वजह से उनकी एक जिंदगी इस तरह से चल रही होती है, सारी जो थीम्स हैं ये, और एक्सपेक्टेशन जो विशेज और ड्रीम्स और डिजायर्स होती हैं, ये सब डिकेंस की अपनी जिंदगी में वो उसने एक्सपीरियंस की होती है और वो नॉवल में ऐड की गई है। सो इम्प्रिजनमेंट इज एन इम्पोर्टेंट थीम ऑफ द नॉवल, लैंग्वेज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप। अब जो लैंग्वेज है जो असल में अननोन पर्सन होने की हैसियत से सपोर्ट कर रहा होता है, बेनिफिट दे रहा होता है, फिर बेनिफैक्टर है उसका, उसका भी इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आ जाता है। एंड कंपेंसन और क्रिमिनल, ये दोनों क्रिमिनल्स हैं, लैंग्वेज भी चोरी करता है और वो उसकी वजह से जो है बार बार जेल जा चुका होता है, और कंपेंसन फ्रॉड की वजह से और कुछ लैंग्वेज को धोखा देने की वजह से, लेकिन कंपेरिजन जो कि एज कम्पेयर टू मैग्नेज कंपेरिजन के पास कुछ पैसा होता है, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो अपने आप को जो है निकाल देता है हर बार, लेकिन मैग्नेज के पास इतना पैसा नहीं होता, तो इसलिए उसे वो बाजार भी जल जाता है, उसको अपने जो टाइम होता है पीरियड दिन में वो पुलिस को जाना होता है। दे आर फाउंड बाई पुलिस ऑन अकाउंट ऑफ देयर मिसडीड, अपनी गलत जो उन्होंने किया होता है, गलत हरकतों की वजह से पुलिस उनको पकड़ लेती है। कंपैशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ हाई क्लास इज स्केप, कंपैशन जो है वो थोड़ा हाई क्लास से बिलोंग करता होता है इसलिए वो भाग जाता है, स्केप पनिशमेंट अपनी पनिशमेंट कम करवा लेता है। आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद वो ऐसा करवा लेता है, हर बार जल्दी वो जेल जाता है। But Magwitch being a poor man becomes a target of long-lasting punishment. अब कंपेंसन अपने पैसे रिकॉर्ड की वजह से निकल जाता है हर दफा पनिशमेंट के बगैर और पैसा वगैरह लगा के, लेकिन मैगविच के पास इतना पैसा नहीं होता क्योंकि वो गरीब होता है,
कि वो इतना नहीं अमीर होता है कि वो अपने आप को पनिशमेंट से बचा ले। सो लेकिन जो फिर से वो पैसा लगाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी खर्च करके और मिस्टर जैगी की सपोर्ट के साथ जो है करता है, ठीक है। सो इवन ही डाइज इन जेल, यहाँ तक कि वो जेल में ही उसकी डेथ हो जाती है एट द एंड ऑफ नॉवल। दिस थीम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल इन अ वे दैट बिकम्स ओन फादर जॉन बिकम पास्ट सम पीरियड ऑफ लाइफ इन प्रिजन। ही वाज इम्प्रिजंड इन मार्शल की ऑन अकाउंट ऑफ नॉट पेइंग लोन और डेट ऑफ सम पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिकेंस की बायोग्राफी में कि डिकेंस के फादर का नाम था जॉन डिकेंस और उनसे बहुत सारा कर्जा था, जिसकी वजह से उस जो ब्लैकिंग फैक्ट्री का मालिक है उसने उनको कैद बना लिया था, कैद बना लिया था, और एक साथ उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर चली गई थी मार्शल से मिला। तो ये जो है एक क्रिमिनल का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो लोन का लोन लेना और इम्प्रिजमेंट में रहना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट में कॉमन है, ठीक है। ओके, टिप्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज आल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट थीम ऑफ नॉवल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, समरी और थीम का एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया था उसकी डिस्कशन में कि इसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किस तरह से जो है थी। और अभी रिसेंटली ही पिछले पेज में यही एक्सप्लेनेशन मैंने दोबारा से डिस्कस किया है। ही हैड अ ड्रीम टू बिकम अ जेंटलमैन, ही हैज अ डिजायर टू मैरी एस्टेला एंड अ विश टू हेल्प हिज फ्रेंड हर्बर्ट। उसकी क्या ख्वाहिशा थी, पहले कुछ और थी बाद में कुछ और हो जाती है, ऐसे शादी भी शामिल हो जाती है और अपने अपना दोस्त की मदद करना भी शामिल रहता है। ही वॉन्ट्स टू रिमेन फेथफुल विद जो एंड बिली। अब उसकी ख्वाहिश होती है कि अब जो एंड बिली उनके साथ भी फेथफुल रहे, जब उसको एहसास हो जाता है कि मैंने उनके साथ क्या किया। ही हैज अ डिजायर टू सपोर्ट हिज रियल बेनिफैक्टर मैगविच। अब उसको जब मैगविच के बारे में पता चलता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो मैगविच को किसी तरह से सपोर्ट कर सके, किसी तरह से उसके काम आ सके, जिस तरह से उसने उसकी मदद की है और उसे जेंटलमैन बनाने में मेहनत की है। द थीम ऑफ एक्सपेक्टेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑथर्स ओन लाइफ। जो थीम एक्सपेक्टेशंस की है ये ऑथर की डिकेंस की अपनी लाइफ से ली गई है। डिकेंस हिमसेल्फ हैड मेनी ड्रीम्स डिजायर्स एंड विशेस, की भी अपनी बहुत सारी ड्रीम्स और विशेस थी इनको पूरा करना चाहता था। डिकेंस ही हैड डिजायर टू बिकम एन एक्टर एंड जर्नलिस्ट, ये उसकी ख्वाहिशात थी। ही वांटेड टू मैरी मारिया बिगनल हिज फर्स्ट स्वीटहार्ट एंड हैड अ ड्रीम टू लिव इन गैड हिल प्लेस। अब ये उसकी ख्वाहिशात थी, ठीक है, कि वो शादी भी करना चाहता था और इस तरह से जर्नलिस्ट बनना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था। सेम एज केस विद पिप इन द नॉवल, उसकी भी बहुत सारी डिजायर थी, एज वेल शादी करना, दोस्त की मदद करना और अपना अपना। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल्स की लाइफ में भी थी, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल ही है। सम ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ पीपल डिकेंस वर फुलफिल्ड व्हाइल अदर रिमेन अनफुलफिल्ड। कुछ ख्वाहिशात दोनों की पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशात दोनों की अधूरी रह जाती हैं, ठीक है। अब कौन सी पूरी होती है? पिप्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ जेंटलमैन इज फुलफिल्ड। सिमिलरली डिकेंस ड्रीम ऑफ लीडिंग हिज लाइफ इन गैड हिल प्लेस वाज आल्सो फुलफिल्ड। डिकेंस की ख्वाहिश थी कि वो गैड हिल प्लेस में, जो लंदन में फेमस प्लेस है, वहाँ पर वो रहे और वहाँ पर उसका अपना घर वो कि इसमें ज़िंदगी में पूरी हो जाती है, क्योंकि एज अ एक्टर उसने वो जगह तो मान लिया था एज अ जर्नलिस्ट की। तो सेम इस केस विद द पिप के, जिसने एज अ जेंटलमैन अपनी जो हाव अपना देखा था वो पूरा होता था। ऑन द अदर हैंड पिप्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैरिज विद एस्टेला रिमेन्स लाइक जैसे ये उसकी पहले तो अनफुलफिल रहती है लेकिन बाद में फुलफिल हो जाती है। लाइक स्टार्ट ऑफ द नॉवल पहले उसकी अट्रैक्शन होती है लेकिन वो प्रपोज करता है, वो मना कर देती है, फिर किसी और से शादी कर लेती है, लेकिन एट द एंड तो वो उसकी ख्वाहिश फुलफिल हो जाती है। ये फुलफिल में आएगा, ठीक है, अनफुलफिल की कैटेगरी में नहीं आएगा।
पहले उसकी ये है हमसे की रहती है। सिमिलरली डिकन्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैरिंग विद मारिया डिड नॉट एंड ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर एंड जर्नलिस्ट मेनी अनफुलफिल। अब वो जर्नलिस्ट और एक्टर नहीं बन पाता लेकिन उसके कुछ ख्वाहिशात पूरी हो जाते हैं और मारिया डिडनो से उसकी शादी नहीं हो पाती जबकि फिफ्थ की एट द एंड ऑफ नॉवल उसकी शादी तो हो ही जाती है। डिसिल्यूजन डिसिल्यूजन एंड डिसेटिस्फाइड। डिसिल्यूजन कहते हैं नई उम्मीद को, ठीक है। डिसेटिस्फाइड स्टेट ऑफ लाइफ इज अनदर सेंट्रल थीम ऑफ नॉवल। ये दोनों थीम्स हैं, बेसिक थीम्स हैं इस नॉवल की। थ्रू आउट द नॉवल फिफ रिमेंस फ्रेगमेंटेड ब्रोकन कंफ्यूज वरीड एंड डिस्ट्रेसेस। पूरे नॉवल में उसकी ये कंडीशन रहती है वो छोटी छोटी सी जिंदगी गुजार रहा था, उसको नहीं पता किस कहाँ पे जाना है किस कहाँ पे जाना है। समटाइम रो पड़ता है, समटाइम हंसना होता है, समटाइम से जो है वो कुछ और विशेज होती हैं, फिर बाद में कुछ और हो जाती हैं, पहले कुछ और बनता है फिर कुछ और बनता है। लाइक उसकी साइज नहीं तकरीबन ऐसी पूरे नॉवल में उसको दिखाई गई है। ऑल दो ही मूव्स टूवर्ड लंदन इन ऑर्डर टू फाइंड सेटिस्फैक्टरी वे ऑफ लाइफ बट इन स्पाइट ऑफ गेटिंग लग्जरियस ऑफ लाइफ हिज टेंशन एंड वरीज आर इंक्रीज्ड। हालांकि वो लंदन चला जाता है तो चांस मिलता है कि अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर सकता है, अपने हालात को पूरा कर सकता है जिसके अनफुलफिल हैं। लेकिन फिर भी वो सारी लग्जरीज उसको मिल भी जाती हैं, फिर भी इसके बावजूद उसकी टेंशन कम नहीं होती है, उसकी परेशानियों में और इजाफा हो जाता है क्योंकि किन्नर। ही नेवर गेट्स इनर पीस ऑफ माइंड। उसे अपने दिमागी जो उसका सुकून है उसे वो नहीं मिलता। डिसेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी सिचुएशन ऑफ लाइफ इज ऑटोबायोग्राफिकल। अब जो उसको एक सर से मिलने के बावजूद भी वो डिसेटिस्फाइड है जिंदगी से, उसको दिली सुकून नहीं मिल रहा था, उसको दिमागी सुकून नहीं मिल रहा था, उसकी रूह को घनचैन नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है डिकेंस की लाइफ में भी होती रही हैं। कैसे अभी देखते हैं। तो डिकेंस हिमसेल्फ आल्सो लीड अ डिस्ट्रेस एंड डिप्रेस लाइफ। द ऑल द मेन थिंग्स ऑफ द नॉवल प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग अ पिक्चर ऑफ डिकेंस ओन लाइफ। डिकेंस की लाइफ में भी यही चीज़ें थी, लेकिन अब उसे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो डिसेटिस्फाई ही रहता है। और इसका फिर ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अपने फर्दर इसको आगे नहीं करूँगी, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस नोवल ऑल्सो गिव अ ग्लिम्स ऑफ रिकरेंस। ग्लिम्स होता है किसी चीज का अक्स या इशारा या कोई पिक्चर, ठीक है। एक विक्टोरियन सोसाइटी का इशारा देता है या विक्टोरियन सोसाइटी को डिपिक्ट करता है। ऑल द मेन फीचर्स ऑफ विक्टोरियन एज हैव डिस्कस्ड ऑल द सर्कमस्टांसेस कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड ऑथर्स लाइफ एंड बाय प्रेजेंटिंग हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस द ऑथर मेक्स दिस नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल। इस नॉवल में जो ऑथर है उसने विक्टोरियन एज को डिस्कस किया है, सोशल इश्यूज को डिस्कस किया है और अपनी लाइफ से जितनी भी थीम्स हैं उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसने डिस्कस किया है, इसलिए इस नॉवल को ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहते हैं। इन लाइन्स को आप एट द एंड ऑफ नॉवल सॉरी एट द एंड ऑफ क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं जब आप कंक्लूड कर देते हैं ना, तब। यहाँ पे मैं थोड़ा मिक्सअप कर गई हूँ लेकिन जब आपने करना तो आपने एक सीक्वेंस का जो है ना मेंटेन रखना। इन द नॉवल देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्ट्रगल गोइंग ऑन बिटवीन अपर एंड लोअर क्लासेस। वही सोशल इशू सोशल क्लास इशूज इशूज जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पहले भी, जो कि विक्टोरियन एज में होता रहा है प्रॉब्लम्स की वहाँ पे। तब देयर इज द मेन फीचर ऑफ विक्टोरियन एज फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रेला एंड स्ट्रगल ऑल ऑल द मेंबर्स ऑफ अपर क्लास। ये अगर हम प्रैक्टिस का एनालिसिस करें देखें कि कौन कौन से अपर क्लास से बिलोंग करते हैं कौन कौन से लोअर क्लास से, तो हमें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में और मिस्टर डैगर जो है ये अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। इन कंट्रास्ट फिफ्थ
पिटी एंड मिस्टर एंड मिसेस जो एंड मैं विच आर बिलोंग टू लेबरिंग क्लास, यानी कि बहुत ही लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मिडिल क्लास की बात करें तो उसमें अंकल हम पम्बलचुक आ जाते हैं और मिस्टर वॉक्सल आ जाते हैं, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके पास यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं होते। और जो लोअर क्लास से भी एक लोअर जो लोअर बॉर्न क्लास है उसमें मैगलिस की भी आ जाती है अगर करना चाहें तो। ठीक है, देन इन द नॉवल ऑफ कई सब अर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो हाईलाइटेड। अर्गेनाइजेशन के बाद जब लोगों ने अपने उनके पास ऑप्शन नहीं थे कोई जॉब्स के अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जब उन्होंने ये छोड़ दिया था सिटी साइड या कंट्री साइड छोड़ के तो दूसरे शहरों में भी चले गए थे, तो ये भी जो है ना एक इशू हाईलाइट किया गया है नॉवल में। इन विक्टोरियन एरा एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीपल स्टार्टेड टू माइग्रेट टुवर्ड सिटीज टू फाइंड अ सुटेबल अर्निंग, मैंने सिटीज की तरफ दूसरे सिटीज की तरफ माइग्रेशन करना शुरू कर दी ताकि उन्हें सुटेबल जॉब्स मिल जाएँ, उन्हें किसी तरह से वो अर्न कर सकें, पैसा कमा सकें। एज अ रिजल्ट सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लॉइटेशन, सेल्फिशनेस केम ऑन द सर्फेस। ऑल दीज इशूज आर डिपिक्टेड इन द नॉवल। जब लोगों ने ऐसा किया, जब उन्होंने अपनी सिटी छोड़ के दूसरी तरफ माइग्रेट माइग्रेट करना शुरू कर दिया खुद को, तो नतीजा क्या हुआ उसका कि बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स आ गए उसमें। पॉवर्टी गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें बेरोजगारी है, एक्सप्लॉइटेशन है, तुम्हारी है, सेल्फिशनेस है, खुदगर्जी और सोशल इश्यूज के जो अपर और लोअर क्लासेस सोशल प्रॉब्लम्स में ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो नॉवल में भी तो देखिए हैं। होल्ड अप इट इज अप टू इन पीरियड एंड फर्स्ट डिफरेंस ग्रेटली, तो इन पीरियड के जितने भी जो फीचर्स हैं वो डिफरेंस को जो है कम्प्लीटली वो अप्लाई करते हैं और वो इन्फ्लुएंस भी है। लिविंग इन अ सोसाइटी ऑफ सब प्रॉब्लम एंड इश्यूज, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं, हिज नॉवल आल्सो थ्रू लाइट इन दिस सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल दिस प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन मेकिंग दिस नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल। तो यही थीम्स और सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो है इस नॉवल को ऑटोबायोग्राफिकल बनाने में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ऑन द होल ऑल मेजर इंसिडेंट्स लाइक टिप्स अप्रेंटिसशिप ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उसने अपनी चाइल्डहुड में जितना कुछ काम किया, एक मजदूर की हैसियत से, एक ब्लैक स्मिथ की हैसियत से, और जितना उसने कुछ पढ़ा लिखा वो सब, हिज सिस्टर्स मैरिज सॉरी हिज सिस्टर्स डेथ, द मैरिज ऑफ जो एंड बिली एंड ऑस्ट्रेलिया एंड मिस्टर डम्बल, ये दो कपल्स की शादी होती हैं, ऑल आर गोइंग फ्रॉम अदर इन लाइफ। Then all the major themes enumerated in the novel like imprisonment, confused, alienated, condition of life and great expectations provide a picture of hopeless life. ये सारी मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ऑस्ट्रेलिया रंबल का और एलिडी और जो का भी। मोर ओवर प्रेजेंटिंग द ग्लिम्स ऑफ द टाइम सोसाइटी और कई डिपिक्ट्स हिज ओन लाइफ स्टोरी। विक्टोरियन सोसाइटी को एक्सप्लेन करते करते अपने जो पर्सनल लाइफ है पे भी उसको भी एक स्टोरी फॉर्म में डिपिक्ट किया है इस राइटर ने। दस टू द हेल्प ऑफ डिफरेंट इमेजिनेशन ही हैज मेड दिस पीस ऑफ राइटिंग ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय डिपिक्टिंग हिज स्टोरी थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पिप। इसलिए मैं आपको बताती चलूँ कि जो इमेजिनेशन में हम चीज करते हैं, इमेजिनेशन होता है कि हम जो एक खाली दुनिया हम बना लेते हैं, जैसे कि किसने बनाई थी कि वो एक जेंटलमैन बनेगा, प्लान जगह जाएगा, लंदन जाएगा, पढ़े लिखेगा, अपना स्टेटस अपग्रेड करेगा, हाई लेवल के लोगों से मिलना जुलना, इसकी इमेजिनेशन थी और ये थोड़ा फिक्शन में आ रहा था, क्योंकि आप वो सोचते होते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो होगा या नहीं पूरा ये आपको ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि ये थोड़ा फिक्शन में भी आ रहा था। तो अगर पेपर में ऐसा आया कि ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन क्या है नॉवल में, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। जो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सारा आप उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, पिप की स्टोरी के उसके करेक्टर के थ्रू सारा कुछ ये एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स कितने भी थे, दिस एलिमेंट मेक्स हिज नॉवल अ यूनिक पीस ऑफ राइटिंग
ये एलिमेंट जितने भी थे इनकी वजह से इसका नॉवल एक यूनिक पीस ऑफ राइटिंग, एक बहुत ही रेयर टाइप का नॉवल जो है, जाना माना नॉवल जाने लगा नॉट टू जस्ट इन द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम ऑफ पीरियड, बल्कि लाइक आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स डिकेंस ये नॉवल एकेडमिक लेवल पे भी पढ़ाया जाने लगा था, और अभी तक ये कंटिन्यू है सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में ही नहीं बल्कि और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सारे नॉवेल्स इंग्लिश लिटरेचर की हैसियत से जो है आज भी एकेडमिक लेवल पे पढ़ाए जा रहे हैं। ओके सो मेरा गला थोड़ा हाँ मतलब आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली। दिस एलिमेंट मेक्स दिस नॉवल अ यूनिक पीस ऑफ राइटिंग व्हिच हैव लेफ्ट एन एवरलास्टिंग इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ रीडर्स और व्यूअर्स बिलोंगिंग टू एनी एज ऑफ पीरियड। और ये नॉवल जिसने भी पढ़ना है, जब भी पढ़ना है, उसके माइंड पे एक इम्पैक्ट रह जाएगा और वो उसे हमेशा याद रहेगा कि एक टाइम पीरियड पे ये नॉवल लिखा गया और इस तरह की सोसाइटी को डिपिक्ट किया गया, और नॉवल में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे जिसको ऑथर ने अपनी लाइफ पे जो है वो लिखा हुआ है, तो ये हमेशा हमेशा लोगों के दिलों में याद रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, ये इतना ही करेंगे हम। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कोई भी आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछें, जितनी बार पूछेंगे मैं बताऊंगी, लेकिन बिना पढ़े बगैर बिना पढ़े मेरे पास नहीं आना। और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चों की तरह मैंने आपको जो है ना ये एक एक वर्ड ट्रांसलेट किया है, एक एक लाइन ट्रांसलेट की है और समझाई है, तो वो लापरवाही के लिए अपनी स्टडी को टाइम दें और मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका और मेरा हम लोग के मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।